हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था कि इक्विवेलेंट होता क्या है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, पता कैसे लगाया जाता है कि कौन सा नंबर इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं है। यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा है ना कि इसमें और इसमें जो जो आपस में इक्विवेलेंट है उनको मैच करो। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया था कि बस इक्विवेलेंट बताओ कौन सा इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा कि ये वाला जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है आपको, यहाँ पर जो हमारे पास बना हुआ है पेयर फ्रैक्शन का और यहां पर जो बना हुआ है डायग्राम, इन दोनों में इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं। तो पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर में फ्रैक्शन है वो, यानी कि पहले हमको इसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं और सभी जो हमारा ए बी सी डी ई है ना, इन सभी का हम वैल्यू पहले पता कर लेते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। वैल्यू कैसे पता करना है, जैसे देखो ये हमारा कितना है, यहां पर 1 है और ये 2 है, टोटल 2 ब्लॉक्स हैं, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। कहाँ की मेरा पेंसिल, यहीं पर लिख देता हूँ, जब तक यहाँ पर बनेगा यहाँ पर करेंगे, फिर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। तो ये टोटल 2 ब्लॉक्स है, तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 2, उसमें से कलर कितना है 1 है, तो न्यूमिनेटर में लिख दो 1। यहाँ पर टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में कितना लिखना है, 6 लिखना है, और न्यूमिनेटर में जितने कलर है उसको लिखना है, तो 1 2 3 और 4 कलर है, तो न्यूमिनेटर में 4 लिखो। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये हमारा कट भी हो रहा है, तो मैंने कट करना आपको येलो वीडियो में भी सिखाया था, यहाँ पर फिर सिखा देता हूँ। आइए मैं हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा जगह नहीं है ना, ज़्यादा अगर जगह रहता तो हम लोग यहीं पर मैं आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ। आइए हम लोग कॉपी में सॉल्व करें इसे। तो देखो ए का वैल्यू हमारा 1/2 निकल गया था, वहाँ पर आपने समझ लिया, तो 1/2 लिख लेते हैं। बी का वैल्यू 4/6 निकला है, तो इसको आपको पहले क्या करना है, कट करके लोवेस्ट टर्म पे ले आना है। तो कट कैसे किया जाता है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड देना ही कट करना कहलाता है। जैसे ये देखो हमारा 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ जो 6 है वो 3 से भी हो रहा है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि सेम नंबर से डिवाइड करना रहता है, तो दोनों 2 से हो रहे हैं डिवाइड, तो हम लोग 2 से कर देंगे। जैसे देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे 2 3 जा 6 हो जाएगा, अब तो इससे आगे डिवाइड हो नहीं रहा है, तो बस इसको इतना ही छोड़ देना है। अगला नंबर देखते हैं सी वाले में, तो सी में हमारे पास कितना डायग्राम है, टोटल 1 2 3 3 6 और 3 9, 9 टोटल ब्लॉक्स हैं, उसमें से कलर कितने हैं, तो 1 2 3 कलर है, तो आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है, सी नंबर डाल करके डिनोमिनेटर में 9 और न्यूमिरेटर में 3, टोटल जितना रहता है उसको डिनोमिनेटर में, जितने कलर है उसको न्यूमिरेटर में। तो यहाँ पर ये फिर से हमारा कट हो रहा है दोनों 3 से, तो फिर से कट कर लो, 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, तो इसका आंसर 1/3 आ गया। ये डी वाला सॉल्व कर लें, तो डी में कितना दिया हुआ है हमको, टोटल ब्लॉक्स इतने हैं, तो 1 2 3 4 और इधर भी 4 है, तो 4 4 8 हो गया, उसमें से कलर कितने हैं, टोटल 2 ब्लॉक्स जो हैं वो कलर हैं। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिख दोगे 8 और उसमें से कलर हमारे पास 2 हैं, तो न्यूमिनेटर में लिख दो 2, इसको भी सॉल्व कर दो, दोनों 2 से कट हो रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो गया। लास्ट में ई वाला जो है उसको भी निकाल लेते हैं, तो ई में हमारे पास कितने हैं, टोटल 4 डब्बे हैं, जिसमें से 3 के आपस में कलर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई वाले में इस तरीके से लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 4 और न्यूमिरेटर में 3, और ये तो कट भी नहीं हो रहा है सेम नंबर से, यही क्या है इसका लोवेस्ट टर्म है। जब कट ना हो ना किसी भी सेम नंबर से, तो समझ जाओ कि वो क्या हमारा लोवेस्ट टर्म है, तो ये 3/4 ही इसका लोवेस्ट टर्म कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले ए बी सी डी का निकाल लिया, अब हम लोग जो 1 2 दिया गया ना उसका फाइंड करेंगे, उसका फ्रैक्शन कितना है। तो फर्स्ट वाला में ये काउंट कर लेते हैं, टोटल ब्लॉक्स कितने हैं और उसमें से कलर कितना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर ब्लॉक है, तो 6 इसमें भी होगा, हो गया हमारा 12, और ये लास्ट वाला भी रो है, इसमें भी टोटल 6 ब्लॉक हो जाएंगे, तो 12 और 6 हो गया 18। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसमें से कलर कितना है 18 में से, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 कलर है, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इस तरीके से लिखना है आपको, यहाँ पर सामने में ही पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैच करेंगे बाद में। तो ये हमारा टोटल 18 ब्लॉक्स है, तो डिनोमिनेटर में लिखोगे आप 18, ठीक है, और उसमें से कलर कितना है 6 है, तो न्यूमिनेटर में लिख दोगे 6। अब दोनों को सॉल्व करो, तो दोनों हमारा 6 से डिवाइड हो रहा है, छोटे नंबर से भी आप डिवाइड कर सकते हो, आपके स्कूल में आपको छोटे नंबर से 2 से 3 से इस तरीके से डिवाइड करना भी सिखाया जाएगा, लेकिन अगर आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हो ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। जैसे दोनों 6 से डिवाइड हो रहे, तो मैं दोनों को 6 से कर दूंगा, 6 1 जा 6 हो गया, और फिर 6 के टेबल में हमारा 3 टाइम पे 18 आता है, तो ये हो गया हमारा 1/3। अब देखो कि इस साइड में 1/3 कौन सा था, तो ये जो सी वाला था इसका भी वैल्यू 1/3 निकल रहा है और इसका भी वैल्यू 1/3 निकल रहा है, यानी ये दोनों क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है, बस यही आपको बताना था। तो यहाँ पर आप बगल में मैं इसका आंसर सी भी लिख ही देता हूँ, ठीक है, चलो लास्ट में आंसर लिखेंगे, पहले हम लोग पूरे सभी का फाइंड कर लेते हैं। तो सेकेंड वाले में कितना ब्लॉक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसमें से 1 2 और 3 4, यानी 4 ब्लॉक्स क्या हैं, सेडेड है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 8 इस तरीके से। देखो सेकेंड नंबर डाला, डिनोमिनेटर में टोटल 8 ब्लॉक्स है, तो 8 लिख दो, उसमें से कलर है 4, तो 4 लिख दो, ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/2 देखो इसका आंसर है। अभी आगे चल के लास्ट में मिलाएंगे, पहले हम लोग पूरा बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले में कितने ब्लॉक्स हैं टोटल, तो 1 2 3 4, 4 इसमें है, 4 2 जा 8
फोर थ्री जो ये हो गया 12 और फोर फोर जो हो गया 16, यानी टोटल 16 ब्लॉक्स हैं। उसमें से कलर कितना है तो मैं कलर वाला को ना गिन करके इनको गिन लेता हूँ। इससे होगा क्या कि माइनस कर दूंगा, तो पहले तो टोटल 16 है तो डिनोमिनेटर में 16 लिखेंगे, उसमें से 1, 2, 3, 4 कलर नहीं है, तो 16 में से कलर कितने नहीं है, 4 कलर नहीं है, तो बचे कितने कलर वाले, 12 बच गए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पहले इस तरीके से थर्ड नंबर डालो यहाँ पर, आप डिनोमिनेटर में लिख दो 16, ठीक है, और उसमें से कलर कितने हैं, 12 हैं। तो मैं इसको शॉर्टकट इसलिए बनाया क्योंकि अभी मैं कलर वाला गिनता तो टाइम ज़्यादा लगता, इसलिए मैंने बिना कलर वाला गिना और 16 में से उसको माइनस कर दिया, तो ये काम हमारा आसान हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लो, तुम्हारा दोनों किससे कट हो रहा है, बड़े से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जिससे दोनों कट हो जाए, देखो 2 से तो दोनों कट हो ही रहे हैं, ठीक है, 3 से नहीं हो रहा, 3 से ये 12 हो जाएगा लेकिन 16 नहीं होगा, 4 से दोनों कट हो जा रहा है, तो मैं 4 से कर देता हूँ, 4 3 जो हो जाएगा 12, 4 4 जो हो जाएगा 16, तो 3/4 हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला जो फोर्थ नंबर का है, आइए उसे सॉल्व करें, तो फोर्थ नंबर का टोटल कितने ब्लॉक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस वाले ऊपर में 6 है तो नीचे भी 6 होगा, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, उसमें से कलर कितना है, तो फिर से मैं बिना कलर वाला गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 बिना कलर वाला है, तो 12 में से 4 माइनस कर दिया आ गया 8, इसका मतलब जो कलर वाले हैं वो टोटल 8 हैं, ठीक है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे 12 और उसमें से कलर वाले हैं 8, तो यहाँ पर ऊपर में लिख दो 8, फिर से सॉल्व कर दो, दोनों फिर से 4 से कट हो रहे हैं, 4 2 जाए 8 हो गया, 4 3 जाए 12 हो गया, 2/3 आ गया। लास्ट में जो फिफ्थ नंबर वाला है उसे अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये वाला में 4 हो गया, 4 8 हो गया, यहाँ पर में हमारा 12 हो गया और ये हो गया हमारा 16, ठीक है, 16 में कलर कितना है, तो 1, 2, 3 और 4 कलर है, तो 16 यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 4 जो कलर है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। इसको भी सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब सभी को मैच करो, ये कौन कौन सा आपस में इक्विवेलेंट है, रुको मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ, अच्छे से दिख रहा है अब आपको, तो ये तो देखो 1/3 1/3 ये मैच हो गया, 1/2 यहाँ 1/2, यानी इसका जो आंसर होगा ए वाला होगा, ए वाला और 2 वाला क्या है आपस में इक्विवेलेंट है। सी वाले का आंसर कितना है, 1/3 है, अच्छा ये तो हो गया ना हमारा, ये वाला देखो 3/4 था, तो 3/4 किसका आंसर है, इसका आंसर है ई वाले का, तो यहाँ पर आप इसको ई लिख दो, तो ये हमारा 3/4 का आंसर हो गया। फोर्थ नंबर में 2/3 आया है, तो 2/3 कौन सा है, बी वाला है, तो यहाँ पर बी लिख दो। उसी तरीके से लास्ट में 1/4 है जो कि डी का आंसर है, तो यहाँ पर डी लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमको फ्रैक्शन दिए गए थे ना, इसमें बहुत सारे आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप वो सीखना है तो आप ये वाला वीडियो फर्स्ट वाला जो स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पर बिस्किट के एग्जांपल से समझाया था ना, वो जरूर देख लेना, उससे आपका इक्विवेलेंट के जो डाउट है लेकर के इक्विवेलेंट से रिलेटेड वो हमेशा के लिए आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी अब समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना था, मैच द फॉलोइंग था, एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आपको समझना है किसी भी चीज़ को तो उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो होता है, यानी कि डायग्राम और जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, उसको जरूर बनाया करो, इससे कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगले क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।